रूथ का अंतिम एपिसोड। नाओमी के निर्देशन अनुसार रूथ बॉस के पास जाती है। बड़े ही दीनता के साथ बॉस के चरणों पर समर्पित करते हुए उसे अपनाने का निवेदन करती है। बॉस उसकी इस इच्छा और प्रस्ताव से प्रसन्न होता है और उसका उद्धार करने का ठान लेता है। बॉस उस संबंधी से जाके मिलता है जिसको रूथ से विवाह करने का पहला कर्तव्य और हक था। जान पड़ता है इस व्यक्ति को रूथ को छुड़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं और रूथ को तुच्छ और भार समझकर ठुकरा देता है। ऐसे में बॉस इस कुटुंब का रक्षक और छुड़ाने वाला किंसमैन रिडीमर बनने का निर्णय करता है। वह खुशी खुशी प्रेम के साथ इस कर्तव्य और दायित्व को निभाता है। सारे समाज के सामने बॉस रूथ से शादी करता है और उसे अपना कर एक नया जीवन देता है। यह सब प्रभु आयोजन कर रहा था। यशया 42:3 में लिखा है, कुचले हुए घास को वो नहीं तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। जब हम लंबे ड्राइव पे या ट्रेन यात्रा जाते हैं तो आपने लंबे लंबे घास को झुंड में देखा होगा। बहुत ही खूबसूरत नजारा है। इनमें से एक घास मुड़ जाए तो उस नजारा को बिगाड़ देती है। इसलिए मनुष्य की यही प्रकृति है कि ऐसे झुके और आधे टूटे हुए घास को पूरी तरह उखाड़ दे। खत्म होता हुआ टिमटिमाती मोमबत्ती को हम बुझा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आंखों को उलझन पहुंचाती है। यशया 57:15 कहता है, जो महान और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वो यों कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूँ। टूटी खेदित रूथ जब परमेश्वर का शरण लेते हुए इज़राइल आई और अपना कर्तव्य सास के प्रति निभाई तो प्रभु ने उसके जीवन को आशा और जीवन से भर दिया। बॉस और रूथ नया घर बसाते हैं और उनका पहला बेटा उत्पन्न होता है जिसका नाम ओबेद है। ओबेद का पोता इज़राइल का राजा बनता है और उसका नाम राजा दाऊद, जो परमेश्वर का चुना हुआ एक प्रिय व्यक्ति ठहरता है। रूथ से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। इससे भी अचंभे की बात आप जानते हो, रूथ का नाम हम मत्ती 1 में देखते हैं। यीशु मसीह की वंशावली में बॉस और रूथ भी शामिल हैं। कितनी सुंदर बात है। प्रभु ने रूथ में ऐसा क्या देखा सिवाय टूटापन के कि उन्होंने रूथ के नाम से पुस्तक बाइबल में रखा और यीशु की वंशावली में उसको जोड़ दिया। टूटी हुई रूथ कम से कम अपने सास के जीवन में आशीष का कारण बनना चाह रही होगी। उसके हृदय को देखते हुए परमेश्वर ने उसको पीढ़ी पीढ़ी तक हजारों लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरा दिया। आज भी हम और आप रूथ से सीख रहे हैं और प्रेरणा पा रहे हैं। बॉस का क्या? बॉस का चरित्र हमें यीशु मसीह को चित्रित करता है। जैसे बॉस ने रूथ को छुड़ाकर एक नया जीवन दिया, हमको भी प्रभु यीशु पाप के दलदल से निकालना चाहता है। पाप के चंगुल से हमें वो छुड़ाता है। एक बहुत कीमती दाम देकर वो ऐसा करता है। और वो दाम क्या था? वो अपने आप को इसके लिए देता है। क्रूस पे हमारे पापों के लिए वो मरता है और तीसरे दिन
यीशु मसीह जीवित उठते हैं और हमें वो अपना बेटी और दुल्हन कह के पुकारते हैं। क्या आप इस पाप के जीवन से छुड़ाए गए हैं? क्या आप परमेश्वर के उपस्थिति को, उनके शांति को अनुभव कर पा रहे हैं? अगर नहीं, तो आज उद्धार का दिन है। यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे दिल के द्वार पे खटखटाता हूँ, तुम हृदय खोलोगे तो वो अंदर आएंगे। यीशु मसीह पर विश्वास करके और उनको अपने जीवन का प्रभु बना के आप उनकी उपस्थिति को, उनके शांति को एहसास कर सकते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सब सुनने वालों की आँखों को आप खोल दें, वो आपके प्रेम को चख सके और आपको उनके जीवन में उद्धारकर्ता मान सके। यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन।